आगे बढ़ते हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार और करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी गाजीपुर, दिल्ली, लखनऊ और मऊ में अलग अलग ठिकानों पर हो रही है। गाजीपुर में चार जगहों पर छापेमारी की जा रही है। मोहम्मदाबाद में उनके भाई और सांसद अफजाल अंसारी के घर पर भी ईडी की रेड पड़ी है। दिल्ली में भी अफजाल अंसारी के कई घरों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। तो मुख्तार अंसार के खिलाफ ईडी की ये स्ट्राइक, आप समझिए इसको कि चार जगहों पर, अलग अलग जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। गाजीपुर में जो भी मुख्तार अंसारी के ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली, लखनऊ और मऊ में भी रेड पड़ी है और एक साथ सभी जगहों पर कागजात खंगाले जा रहे हैं ईडी की तरफ से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी के घर पर ये रेड चल रही है। मऊ में भी रेड पड़ी है, गाजीपुर में भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। अफजाल अंसारी जो बीएसपी के सांसद हैं उनके घर पर भी इस वक्त रेड चल रही है। सांसद अफजाल अंसारी के घर पर भी रेड पड़ी है और बाहुबली मुख्तार अंसारी के घर पर भी ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का दरअसल ये केस है। इसी को लेकर दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर समेत कई ठिकानों पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। मुख्तार के मोहम्मदाबाद स्थित घर पर भी छापेमारी की गई है। जो मुख्तार के करीबी हैं ईडी उन पर भी शिकंजा कस रही है। आपको बता दें कि पंजाब में मुख्तार को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला था, काफी मामला ये कोर्ट में भी गया और उसके बाद मुख्तार अंसारी को यूपी लाया गया। पंजाब की आप सरकार ने हाल ही में मुख्तार अंसारी के रूपनगर जेल में बंद होने पर वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप में जांच के आदेश दिए थे। अभी ताजा मामला है और जांच के दौरान यह पता चला था कि पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अंसारी का केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए वकील को लगाया था। ये हाल ही में यह खुलासा हुआ है और मुख्तार अंसारी जो इस वक्त जेल में है लेकिन उनके ठिकानों पर ईडी की दस्तावेजों को खंगाल रही है। यूपी में लगातार हमारे सहयोगी बता ही रहे हैं आपको तस्वीरें जी। तो हमारे तमाम सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं क्योंकि दिल्ली में रेड पड़ी है, लखनऊ में भी इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है, मऊ में, गाजीपुर में चार ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त ईडी एक्शन में है। ईडी की एक साथ रेड पड़ी है, लखनऊ में भी दो अलग अलग जगहों पर जो है ये रेड चल रही है। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं कि डालीबाग इलाके की ये तस्वीर है जहां पर ईडी की जो रेड है वो लगातार जारी है। इसके साथ साथ सीआरपीएफ जो है उसको तैनात किया गया है। ये लखनऊ के डालीबाग का इलाका है जहां पर मुख्तार अंसारी के जो तमाम करीबी हैं उनके फ्लैट बताए जा रहे हैं, इसके साथ साथ उनके जो है दफ्तर यहां बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो कि मुख्तार अंसारी की जो तमाम प्रॉपर्टीज हैं उनको लेकर जो है ईडी अपनी जांच जो है वो तेज कर रही है। इसके साथ साथ मुख्तार अंसारी के जो भाई है अफजाल अंसारी उनके भाई की प्रॉपर्टी यहां बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन का काम था, इसके साथ ही जो स्लॉटर हाउस थे, इसके साथ ही जो ठेकेदारी थी, उसकी जो फर्म थी, उन सबको खंगाला जा रहा है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की जो तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं उन सबको एक एक करके जो है खंगाला जा रहा है और यही वजह है कि ईडी जो है वो अपनी छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि सुरक्षा का इशू न रहे इसलिए सीआरपीएफ को तैनात किया गया है, लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा दें कि देखिए इस पूरे इलाके की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे इलाके में कई ऐसे फ्लैट हैं जो मुख्तार अंसारी के करीबियों के बताया जा रहा है। इसके साथ साथ एफआई टावर में भी ईडी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है, सीआरपीएफ जो है वहां पर भी तैनात की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि देखिए इस पूरे इलाके की अगर हम बात करते हैं तो अफजाल अंसारी का घर भी इसी इलाके में पड़ता है और ठीक पीछे उसका घर है। इसके साथ ही जो शत्रु संपत्ति का जो पूरा मामला हुआ था उसमें भी जो MPMLA कोर्ट ने जो आरोप तय किए हैं वो भी यहीं पर है। तो आप सामने का जो दरवाजा देख रहे होंगे यहीं पर ही शत्रु संपत्ति जो है उसका अवैध निर्माण किया गया। इसके बाद ही लखनऊ विकास प्राधिकरण से बकायदा ईडी ने जो है अपनी जो रिपोर्ट है वो मांगी थी, ईडी ने तमाम संपत्तियों की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद ईडी से को जब एलडीए ने अपनी जानकारी दी उसके बाद ये छापेमारी की गई है लखनऊ में। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देखिए ये आपको इलाका हम दिखा रहे हैं यही ये वो इलाका है जहां पे शत्रु संपत्ति का जो कब्जा था वो मुख्तार अंसारी का वो किया गया था और इसके ठीक पीछे अफजाल अंसारी का घर भी है। तो ये पूरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें पूरे एरिया की बात करें तो यहां पर मुख्तार अंसारी और उसके करीबी, इसके साथ अफजाल अंसारी, उसके रिश्तेदार, तमाम लोगों की संपत्ति यहां पर बताई जा रही है।
रही है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है 36 से ज्यादा फ्लैट जो है वो है। देखिए ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको मलबा दिखाई देगा, इसी ये मलबा जो है ये तोड़ा गया था अवैध निर्माण था, उसके ठीक पीछे आपका घर, आपको जो घर दिखाई देगा ये अफजाल अंसारी का घर है। तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरी संपत्ति है वो उसमें से ज्यादातर संपत्तियों पर मुख्तार अंसारी या उसके करीबियों का जो है यहाँ पर सीधे तौर पर ये है। और ऐसे में यही वजह है कि अब मुख्तार अंसारी की तमाम करीबी जो है उन सबकी संपत्ति जो है ईडी खंगाल रही है। जी तो लखनऊ से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं क्योंकि चार ठिकानों पर इस वक्त रेड चल रही है मुख्तार अंसार के खिलाफ। ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है, ना सिर्फ मुख्तार अंसारी के खिलाफ बल्कि उसके जितने भी करीबी हैं उनके भी ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और जैसा कि मेरे सहयोगी लखनऊ में बता रहे हैं कि 36 फ्लैट हो सकते हैं, 36 फ्लैट हैं जहां पर इस वक्त टीम को खंगालना है, एक एक करके वहां पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि किस तरह से इस संपत्ति को अर्जित किया गया है। और हमने देखा है कि मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी पर आधे से ज्यादा तो बुलडोजर चलाया गया है। योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी को जमींदोज भी किया है, लेकिन उसके बाद भी उसके जो करीबी हैं उनके पास अभी भी इतनी अथाह संपत्ति है कि चार जगहों पर, आप समझिए कि चार जगहों पर एक साथ ईडी ने रेड डाली है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये दरअसल, जिसके चलते ईडी ने अब एक साथ चार ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त ईडी की तरफ से की जा रही है। बाकायदा टीम अलग अलग पहुंची हुई है और सुबह लखनऊ से गाजीपुर पहुंची थी टीम और तभी सीआरपीएफ के जवानों के साथ उस लोकेशन पर रेड डाली गई। जो मुख्तार अंसारी का मोहम्मदाबाद में जो पैतृक आवास है, वहां पर रेड डाली गई ईडी की तरफ से। और इसके अलावा जो अंसारी के करीबी हैं, जो अंसारी ब्रदर्स हैं, जो मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी, उसके घर पर भी रेड डाली गई है, जो सांसद हैं बीएसपी से।